नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से लाइव प्रिपरेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित एस्ट्रो और आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम आज बात करेंगे हैंड एनालिसिस के बारे में। एक नेपाल शिक्षक ने, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने एक हैंड एनालिसिस करने के लिए और हॉरोस्कोप से एनालिसिस करने के लिए भेजा है और उनके हैंड देख कर हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। बहुत सारे लोग जो प्रश्न आया है उनमें से ये एक बेसिक हैंड है जो आपके हैंड में वो साइंस, वो जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, जो परिणाम मिल रहे हैं, साथ ही वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, बहुत ही आसानी से इस वीडियो में हम उन चीज़ों को जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट इनके हैंड में वो कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले अगर हैंड पर हम नज़र डालते हैं, देखिए इनका वाटर और एयर दोनों का कॉम्बिनेशन वाला हैंड है। क्योंकि देखिए हथेली का जो लंबाई है वो काफ़ी लंबी है, उंगलियाँ छोटी हैं, उंगलियाँ फायर एलिमेंट को दिखाती हैं, ये वाटर एलिमेंट को दिखाती हैं। तो ये इसमें क्या होता है, हथेली अगर उंगलियां लंबी होती तो कहीं ना कहीं हाथ में ज़्यादा चीज़ें अचीव होती, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल का फॉर्म जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि एयर एलिमेंट ज़्यादा है। तो क्रोध की मात्रा आप शरीर में, एयर की मात्रा कम अपेक्षाकृत कम है, तो फिर व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। अगर हम आगे बात करें जो उंगलियों में, देखिए ये जो पहला दूसरा तीसरा पर्व है इन सब में देखिए सेम लेवल पे हैं, लेकिन लिटिल फिंगर आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है वो इस लेवल से थोड़ी नीचे है। ऐसे लोगों में क्या होता है अक्सर कि थोड़े साए पर्सनैलिटी होते हैं, और क्योंकि ये सूर्य आपकी उंगली है उसके पहले भाग तक भी नहीं पहुंची, बराबर भी नहीं पहुंची है, इसमें आप देखेंगे पहले पर्व तक नहीं पहुंची है, इससे व्यक्ति अपनी बात कह नहीं पाता है और दूसरे जो आप सजेशन आप जिसको देंगे उसके लिए तो बेनिफिशियल होगा और वो सक्सेस और ग्रोथ भी कर जाएगा, लेकिन आपके लिए वही चीज़ें लाभप्रद नहीं होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पे यहाँ पे लाइन आनी और भाग्य रेखा काफ़ी डाइवर्जन इसमें दिखा रहा है, और आप देखिए कई सारी स्ट्रगल लाइनें हैं यहाँ पे। ये स्ट्रगल लाइनें आइलैंड फाउंड कर रही हैं, मस्तिष्क रेखा में तरह तरह की ये आइलैंड फाउंड हो रहे हैं। क्रॉस है, साइकिक एबिलिटी है व्यक्ति के पास, व्यक्ति के पास ये एबिलिटी है कि बहुत सारी चीज़ें वो समझता है, जानता है और एक एक बेहतर ज्ञान रखता है, फिर भी वो ज्ञान इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि आप देखिए शुक्र पर्वत कितना बड़ा है, यहाँ पे शुक्र डेवलप है और गुरु पर्वत अपेक्षाकृत कम है। गुरु पर्वत कमजोर होने के कारण जीवन में कई सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक इस तरह का स्टार फाउंड हो रहा है। ये जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके अर्ली एज में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाएंगे अपनी पौणावस्था की तरफ, खासकर 32, 35 उसके आगे 36, तो आप देखेंगे चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ये स्टार यही करता है गुरु पर्वत पे। अगर हम आगे देखेंगे दो लाइनें तीन लाइनें यहाँ पे आपकी जीवन रेखा को काटती हैं, ये कई तरह की व्यक्ति के जीवन में हार्डल लाती हैं, उसके बाद स्मूथ लाइन है। आप फिर देखेंगे यहाँ पे सिर्फ फिश सिंबल जो है फाउंड हो रहा है, मिल रहा है फिश, मछली का चिन्ह मिल रहा है और यहाँ से एक लेखा निकल के चंद्रमा की ओर जा रही है, केतु की तरफ जा रही है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल पाथ में अगर आगे जाएं तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम इनके हॉरोस्कोप पे नजर डालें तो देखते हैं कि चंद्रमा संबंध बनाना लग्न में ही बहुत ही कम डिग्री में, चंद्रमा का डिग्री जो है बेहद कम है और वो 11 डिग्री 25 मिनट और 13 डिग्री 32 मिनट दोनों का संबंध बनना है, तो आपका चंद्र ग्रहण बन गया। अब चंद्र ग्रहण बन गया है तो मन मानसिक रूप से परेशान है, तो इसलिए स्टार्टिंग एज में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है करना क्या है। और मून यहाँ पे भी इसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन मंगल डेवलप है इनकी कुंडली में भी। देखिए मंगल स्वग्रही होकर बैठा हुआ चौथे हाउस में, तो क्रोध की मात्रा अग्नि की मात्रा बढ़ा रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज़ें भी नहीं बढ़ा रहा है। तो आपको एक चीज़ें आप में आती है दमनकारी प्रवृत्ति आपकी, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। थोड़ा दमन कम करिए अपनी फीलिंग्स का, क्योंकि स्पिरिचुअल की जो टॉप है वो यही है कि अपनी सारी ऊर्जाओं को बैलेंस करना, रिक्त हो जाना और ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि इस तरह के जो चंद्र ग्रहण क्रिएट हो रहा है तो आप देखेंगे मकर लग्न की है तो व्यक्ति मेहनत की अपेक्षा परिणाम उसको कम मिलते हैं। तो आप ये करिए कि सोचिए चीज़ों को कम, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन सक्रिय ध्यान जो होता है उसके आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा सक्रिय ध्यान, उसकी एक म्यूजिक होता है वो सुन सकते हैं, इसको कहते हैं डायनेमिक मेडिटेशन, वो बहुत ही आपके लिए कारगर होगा क्योंकि उसमें आपकी छुपी हुई दबी हुई भावनाएं बाहर निकलेंगी। हो सकता है शरीर में कहीं कहीं पेन भी हो तो उस पेन आपके लिए अच्छा है,
उन चीज़ों को हो जाने दीजिए एक बार, तब धीरे धीरे आपको ये जो फायदा है गुरु का तब उसको मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी महादशा चल रही है राहु की, ठीक है, जो 2006 से शुरू हुई है, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई, बढ़ती चली गई। राइट नाउ वर्तमान अवस्था में आपके शुक्र की अंतरदशा चल रही है राहु के महादशा में, तो बड़ी भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित होना, चीज़ों करना, फिर स्टार्ट करना, फिर छोड़ देना, कई सारी समस्याएं, क्योंकि आप देखिए कई सारे यहाँ पे स्ट्रगल लाइन है, मानसिक तनाव भी बना हुआ है, तो वो स्थिति से बाहर निकलना है। कई सारे शुभ साइन है, क्योंकि बुध आपका काफ़ी अच्छा है और सूर्य रेखा पर क्रॉस होने के कारण आप किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं, उसके उपायों के बारे में भी आगे हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। और बेसिकली जो अभी 2024 तक महा दशा चल रही है राहु की, वो कहीं ना कहीं टाइम सुटेबल नहीं है, तो ये समय थोड़ा बीत जाने चाहिए। जीवन में बहुत कुछ है, उस कुंडली में भी दम है काफ़ी, बहुत आगे ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, स्पिरिचुअल पाथ पे काफ़ी आगे जाएंगे। और जो हॉरोस्कोप में मैच मेकिंग करा के कुंडली, उसी से आप विवाह करिएगा। अगर हम विवाह रेखा को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे विवाह रेखा सपोर्टिव लाइन भी है, तो विवाह ठीक दिखाता है, अच्छा दिखाता है, लेकिन उसमें कुंडली मिलाना बेहद आवश्यक है। और ये था बेसिक एनालिसिस, जो अगर आपके हैंड में बनते हैं तो परिणाम लगभग सेम मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपने हाथ का एनालिसिस कराना तो भेज सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे हमारे इस वीडियो पे नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिसमें रेगुलर अपडेट हमारी आप तक पहुँच सके। अगर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे, तब तक अपने ख्याल रखिए और बी सेफ, स्टे होम। नमस्कार दोस्तों।